देवास के अमलतास अस्पताल में मरीज की संदिग्ध अवस्था में मौत होने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया है। दरअसल राधागंज निवासी सुभाष को चार दिन पहले अस्पताल में भर्ती किया गया था और आज मौत के बाद मरीज का शव अस्पताल के बाहर परिजनों को मिला। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया, साथ ही अस्पताल प्रबंधन की शिकायत प्रशासन से की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बीमारी से परेशान मरीज ने सुसाइड किया है। मृतक के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल बीएनपी थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 6 तारीख को सुभाष जोशी 65 ईयर्स के राधागंज के निवासी थे, भर्ती किए गए थे। इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और डायबिटीज के और कार्डियक पेशेंट्स थे। आईटी में जो निरीक्षण किया है उस निरीक्षण में ये पाया गया है कि इस तारीख को यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किए गए थे और इनका इलाज चल रहा था। इलाज के पश्चात जो है ना ये ऑक्सीजन प्लांट के पास में इनकी डेड बॉडी पाई गई। बिल्डिंग से गुजरने वाला जो मामला आ रहा है क्या गेंगे? ये किसी ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा गया कूद के गिरे हैं कैसे गिरे हैं किसी चीज के बारे में कोई हमारी टीम ने लिखा है। बताया गया है जो संज्ञान में कि वहां पर उनकी डेड बॉडी पाई गई थी, जिसके लिए उनके प्रशासन द्वारा उनको पुलिस थाने को इन्फॉर्म अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उस बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उससे प्रसुति मालूम पड़ेगी।